हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें टॉपिक रहने वाला है कॉलेज असाइनमेंट्स। अब धीरे धीरे मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मुझे बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मैं आपको नए नए टॉपिक्स और नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे एडमिशन आपका खत्म हुआ, तो उसके बाद मैंने लिया था कॉलेज में क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स, कॉलेज में किस तरह से लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया था मिड सेमेस्टर एग्जाम। अब मेरे पास आपकी तरफ से सबसे ज्यादा टॉपिक आया है, वो टॉपिक का नाम है असाइनमेंट। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन वेरियस वीडियोस फॉर असाइनमेंट्स। अब ये जो वीडियो है, इसमें मैं कॉलेज असाइनमेंट्स रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं, एंड ट्रस्ट मी, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट सो मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। आई मीन आई कैन गारंटीड यू कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या टाइम पास चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने चार मेन पॉइंट्स कवर किए हैं, इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, बट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू राइट कॉलेज असाइनमेंट होता क्या है, किस तरह से लिखना चाहिए और क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जनरली यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट्स होते हैं वो हैंड रिटन होते हैं। यहाँ पे आपको हैंड मतलब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना होता है, हैंड रिटन होते हैं। ठीक है, मोस्टली असाइनमेंट्स आर हैंड रिटन। यहाँ पे आपको एट दी एंड, जब आपका सबमिशन का टाइम आएगा, एट दी टाइम ऑफ द सबमिशन यू हैव टू सबमिट your handwritten assignment to your professor or to the faculties which you are assigned to। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार आपको यहाँ पे handwritten assignment submit करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ बेसिक सी टिप्स दे दूँ, तो यहाँ पे होता क्या है कि जनरली मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस आपको दिया होता है, सपोज आपके पास दिए गए होते हैं 10 क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट। ठीक है, तो जनरली आप ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज से ज़्यादा उसका आंसर नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट सेम में ऐसा कोई नहीं बोलता है कि कितना असाइनमेंट लिखना है, कितने पेज का लिखना है, तो स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि कितना असाइनमेंट्स में हमें आंसर लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है कि आपको यहाँ पे लिखना है एंड गेट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो गेट्स के बारे में आपको जरूर से पता होगा, जैसे कि एंड गेट है, और गेट है, तो इस तरह से जितने भी गेट आते हैं, तो ये गेट के बारे में अगर सवाल होता है तो आपको क्या करना है, एक पेज के अंदर सिंपल ये गेट के सारे फिगर्स दिखा देने हैं, नीचे टेबल्स दिखा देना है, और उसमें जितने भी वो चार पॉसिबल होते हैं ना कि 01 10 11 और 00, तो आपको यही दिखा देना है और इसके सामने आउटपुट। अब इसमें आपको थियोरी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके सामने यहाँ पे कोई क्वेश्चंस मान लीजिए कि थियोरी रिलेटेड होता है, कोई मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे एक पेज तो मिनिमम लिखना ही पड़ेगा और मैक्सिमम भी एक पेज। अब एक पेज में मान लीजिए कि आपने ऊपर से नीचे तक 75% पेज पूरा भर दिया है, तो आप नीचे की 25% में अगर कुछ नहीं हो तो इतना आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला कि आपको एक पेज पूरा भरना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप 75% पेज भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये था बहुत ही सिंपल सा कि आपको असाइनमेंट्स में किस तरह से लिखना है, जनरली ये हैंड रिटन होता है। दूसरी बात दोस्तों, ये पॉइंट मैं आपको बहुत ही प्यार से और बहुत एज योर बिग ब्रदर, एज योर मेंटर और एज योर कजिन और वॉट एवर यू वॉन्ट, मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट द असाइनमेंट। देखिए, असाइनमेंट में मैं भी कॉपी पेस्ट करता था, बट अब मैं बताता हूँ कि मैंने कॉपी पेस्ट किया और आपको क्यों मना कर रहा हूँ। देखिए, इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि कॉपी पेस्ट के एडवांटेज, मतलब असाइनमेंट जो होता है इसका ओवरऑल एडवांटेज बहुत ज्यादा है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पॉइंट नंबर वन, मान लीजिए कि 30 लोगों का क्लास है और 30 लोगों के क्लास में आपको यहाँ पे जनवरी के महीने के अंदर आपको यहाँ पे असाइनमेंट लिखने को दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आपको यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करने रहते हो। तो 30 में से कोई 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च आते आते असाइनमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और एट दी एंड ऑफ जून यानी कि आपकी फाइनल एग्जाम से एक महीने पहले सारे के सारे असाइनमेंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो रेस्ट ऑफ द क्लास, बाकी बचा हुआ क्लास यहाँ पे क्या करता है कि वो एक महीने के पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले, जब भी आपकी सबमिशन की तारीख होती है उसके थोड़े दिन पहले यहाँ पे असाइनमेंट लेके पूरा का पूरा असाइनमेंट एक या फिर दो रात, पूरी रात जग के हॉस्टल के अंदर सारे दोस्तों का ग्रुप स्टडी करके एक या दो रात में पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर देते हैं। और ये रियल लाइफ सिनेरियो है, मैंने भी स्टार्टिंग में ये किया था और मुझे इसके बहुत सारे नुकसान हुए थे। तो इसीलिए मैं आपको फर्स्ट सेम से ही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप प्लीज ऐसा मत करना, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है कॉपी पेस्ट के। सबसे पहली बात,
तो यहाँ पे असाइनमेंट्स आपको क्यों दिए जाते हैं? असाइनमेंट आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आप कुछ अपने आप से कुछ नया फाइंड करें, उसके बाद ढूंढे, और उसके बाद आपको अपने आप से पता चलना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना आंसर होना चाहिए। तो असाइनमेंट से आपका एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि असाइनमेंट से आप अपने करियर को आगे बढ़ा पाओगे। करियर इन द सेंस कि एज अ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि असाइनमेंट होता क्या है, कितना लिखना होता है, कितने क्वेश्चंस के आंसर कितने टफ रहते हैं, कहाँ से मिल सकता है, विकिपीडिया में अवेलेबल है, गूगल के ऊपर लिखना पड़ेगा, कोई यूट्यूब में से वीडियो सर्च करके, वीडियो देखने के बाद उसकी समरी मुझे बुक में लिखनी होगी या फिर कोई रेफरेंस बुक के अंदर है। एट दी एंड यहाँ पे आपको बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप अपने हिसाब से असाइनमेंट लिखते हो। इसके सामने यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे जो भी आपका सबमिशन होने वाला होता है उससे 1 या 2 दिन पहले पूरे दिन पूरी रात जगने के बाद आप असाइनमेंट फटाफट से कंप्लीट करके फैकल्टी को सबमिट कर देते हो और फैकल्टी आपको बोलती है कि वाह यार तूने तो बहुत अच्छा असाइनमेंट लिखा है, तो इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने सिर्फ गुजराती में बोलते हैं ना गधा मजूरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। इससे अच्छा तो बोल देते ही कि सर मेरी इस तरह से शादी की यहाँ पे मेरा फंक्शन था तो मैं नहीं लिख सकता, ठीक है? कोई झूठ बोल देना ऐसा लिखने के अच्छा है कि आप कोई झूठ बोल दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गधा मजूरी करके 1-2 रात के अंदर खत्म करना ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है। तो फिर यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट मत करना, इससे अच्छा तो कोई बहाना बना देना कि सर नहीं हो पाया, ठीक है? क्योंकि कॉपी पेस्ट से आपको सिर्फ लिखना ही होगा, आप यहाँ पे कुछ भी क्रैम नहीं कर पाएंगे, कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। सो प्लीज डू नॉट डू दिस कॉपी पेस्ट। और अगर यहाँ पे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने फर्स्ट सेम के अंदर जरूर से किया था, बट उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीटली बंद कर दिया था। मैं क्या करता था, मैंने यहाँ पे आपको जिस तरह के स्टूडेंट दिखाए ना कि जो थोड़े से ही कम स्टूडेंट होते हैं कि जो स्टार्टिंग से ही असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने फर्स्ट सेम में यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, बट उसके बाद मुझे पता चल गया था कि इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ था। तो मैंने यहाँ पे उसी टाइम से कॉपी पेस्ट करना बंद कर दिया और अपने हिसाब से सब कुछ स्टार्ट कर दिया, ठीक है? उसके बाद असाइनमेंट की इंपोर्टेंस क्या है, अब ये पॉइंट्स कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको आंसर कर दूं कि क्या असाइनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर है यस, वेरी मच यस, मतलब बहुत बड़ा यस, क्योंकि असाइनमेंट का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि या क्या यार ये कॉलेज वाले भी क्या यहाँ पे लिखने को दे देते हैं, पूरे 10-10 15-15 पेज लिखने को दे देते हैं। आज के जमाने में जहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट और पीडीएफ में असाइनमेंट देते होते हैं, तो यहाँ पे तो हमारी कॉलेज में तो हमें हाथ से ही लिख के देखना पड़ता है यार ये क्या है। ऐसे सारे बहुत सारे थॉट्स आएंगे और ये मेरे टाइम में भी आए थे और आपको भी आएंगे। बट अब मैं आपको बता दूं कि इसका इंपोर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है। सबसे पहला इंपोर्टेंस इसका ये रहेगा कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही आईएमपी रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में डेफिनेटली होंगे। पॉइंट नंबर टू, अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया थी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे कि क्या यार मेरे यहाँ पे कॉलेज में तो सब लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे हाथ से ही मतलब हाथ से लिखना होगा, यहाँ पे हम उसके लिए पेपर खरीदे उसके बाद फाइल खरीदे, ये क्या करवा रहे हैं। बट आप इसके सामने ये तो देखो कि आपकी जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी आपको हैंड रिटन ही लिखना ही होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग की स्पीड है, स्किल है, वो इम्प्रूव होगी, आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी और आप अच्छी तरह से पेपर लिखवाओगे आपकी फाइनल एग्जाम का। पॉइंट नंबर थ्री, असाइनमेंट से आपको यहाँ पे स्टूडेंट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं, तो आपको यहाँ पे एक माइंड का ग्रोथ भी अच्छे से होगा, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत होता है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपके लिए असाइनमेंट बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एट दी एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये आता है, इसके मार्क्स कितने होंगे। तो देखिए जनरली होता क्या है कि दिस डिपेंड ऑन वेरियस कॉलेज टू कॉलेज की किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम सी जगह ले लेता हूँ, ठीक है? ओके लेट मी गो ऑन दिस स्क्वायर। तो देखिए इसके मार्क्स होते हैं ना वो हर कोई कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एलडी कॉलेज में असाइनमेंट के मार्क थे 20, अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि बाकी जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, मान लीजिए कि यहाँ पे बीजीईसी है या फिर जीईसी गांधीनगर है, जीईसी मोड़ासा, इसमें भी 20 मार्क हो। ऐसा भी हो सकता है कि बीजीईसी में असाइनमेंट के मार्क 15 हो, उसके अलावा यहाँ पे जीईसी गांधीनगर में 25 हो। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, बट जनरली ये इसके मार्क्स होते हैं अराउंड 20 के समथिंग, और इतने ही मार्क्स होते हैं। और इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल 20 मार्क्स होते हैं, तो एलडी कॉलेज में मोस्टली यहाँ पे 70 से लेके 80% स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे मार्क का रेंज होता है वो 14 से लेके 19 तक होता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे 100 लोगों का क्लास है, ठीक है, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो 100 में से
मोस्टली 70 to 80 स्टूडेंट्स का मार्क का रेंज वो यही होता है। इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को 20 भी मिलते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट्स को यहाँ पे ओनली 10 जितने मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मार्क्स की बात भी यहाँ पे आपको समझा दी। ठीक है, सो ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग कॉलेज असाइनमेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एट दी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बोला था कि आपको वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और आपको मजा आएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख देना कि ये 10 मिनट जितना वीडियो हो गया तो कितना इन्फॉर्मेटिव रहा और कितना मजा आया। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।